नमस्ते स्टूडेंट्स। सो फाइनली आज लास्ट लेक्चर चैप्टर 7 का काफी टाइम से चल रहा है, तो आज खत्म ही कर देते हैं कुछ भी करके। लास्ट लेक्चर में हमने 18th क्वेश्चन देखे थे, आज 19th से स्टार्ट करने जा रहे हैं। 19th क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं, सो प्लीज ध्यान से देखिएगा। कुछ ज्यादा दम नहीं है क्वेश्चन में, आपको थोड़े बहुत फॉर्मुला याद रखने पड़ेंगे। हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, ऊपर साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स अपॉन साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स डी एक्स। ठीक है, आप लोगों को एक चीज पता होनी चाहिए कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू, याद है पक्का? तो ये नीचे वाला पोर्शन तो पाई बाय टू हो जाएगा। अब मैं ऊपर वाले की जगह पे फिर क्या करूंगा, ऊपर में साइन इनवर्स की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स की जगह पे मैं लिख सकता हूँ पाई बाय टू माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स, और माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स तो ऐसे ही पड़ा है, होल अपॉन पाई बाय टू डी एक्स। बोलो इधर तक किसी को डाउट हो तो बताओ जल्दी से, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। चलो तो ये हमारा क्या हो जाए, आई इज इक्वल टू बाहर निकाल दो और इसको मैं लिख सकता हूँ पाई बाय टू बाय पाई बाय टू वन हो गया, माइनस टू कॉस इनवर्स रूट एक्स टू कॉस इनवर्स रूट एक्स बाय पाई बाय टू डी एक्स। इधर तक किसी को प्रॉब्लम? अब दोनों को सेपरेट कर देते हैं, बराबर है? ये टू ऊपर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा डी एक्स माइनस फोर बाय पाई, बचा क्या कॉस इनवर्स रूट एक्स डी एक्स। ठीक है, डी एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या हो जाएगा, वन। पता चला बेटा क्या किया, एक बार डी एक्स इसको भी दिया इसको भी दिया डी एक्स दिया तो टू ऊपर चला गया, तो डी एक्स का इंटीग्रेशन सिर्फ होगा, डी एक्स का इंटीग्रेशन होगा सिर्फ एक्स माइनस बाहर क्या बचा था फोर बाय पाई कॉस इनवर्स रूट एक्स डी एक्स। अब मैं क्या करूंगा, लेट एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टू टी डी टी हो जाएगा। अब सिंपल सी बात देख लो, आई इज इक्वल टू एक्स माइनस फोर बाय पाई, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एक्स माइनस आई वन, सिर्फ आई वन को सॉल्व करते हैं फिर, बराबर है? आई वन को सॉल्व करेंगे तो फोर बाय पाई ये क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स रूट एक्स, एक्स की जगह पे टी स्क्वायर डी, और डी एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा टू टी डी टी हो जाएगा। इतना बात क्लियर हो गया पक्का? ठीक है, श्योर। बेसिकली इसमें भी देखो आई वन में फिर हम क्या करेंगे पता है, आई वन में फोर बाय पाई लेंगे, एक्स को लेने की जरूरत ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा आई वन इज इक्वल टू टू को बाहर निकाल दो एट बाय पाई, ये क्या हो गया टी इन टू कॉस इनवर्स टी डी टी हो गया। समझ में आया, क्योंकि मैंने इसको ही आई वन कंसिडर किया, पूरे को नहीं ले रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे तो यूवी रूल लगेगा, यूवी रूल क्या कहता है एट बाय पाई एज इट इज, पहली प्रेफरेंस किसको इनवर्स को, तो कॉस इनवर्स टी एज इट इज टी का क्या हो जाएगा टी स्क्वायर बाय टू माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स टी क्या होगा, कॉस इनवर्स टी क्या होगा माइनस वन बाय अंडर रूट वन माइनस टी स्क्वायर इन टू टी स्क्वायर बाय टू होल डी टी। सो आई वन इज इक्वल टू एट बाय पाई, ये तो यहाँ पे टी स्क्वायर बाय टू इंटू कॉस इनवर्स टी आ ही गया, माइनस 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 इसको प्लस भी दे सकते हो। अब देखो वन बाय टू को बाहर निकाल लो, बचा क्या टी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट वन माइनस टी स्क्वायर डी टी। ओके, अब का जो स्टेप है ना वो काफी इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। अब देखो मुझे इसको इस जैसा बनाना है, इसको इस जैसा बनाना, सॉरी, तो मुझे माइनस चाहिए, तो ये जो प्लस हमने एक्चुअली लिखा था वो अंदर ही रखो, ठीक है? तो क्या है आपको इजीली समझ में आ जाएगा मैंने कौन सा स्टेप किया, माइनस और माइनस। हाँ अब देखो, अब क्लियर हो गया, माइनस वन इंटू टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे प्लस वन करूंगा और माइनस वन करूंगा तो नेक्स्ट स्टेप में करूंगा, तो पहले इतना लिख लीजिए। तो देयरफॉर आई वन इज इक्वल टू एट बाय पाई टी स्क्वायर बाय टू कॉस इनवर्स टी माइनस वन बाय टू वन माइनस टी स्क्वायर माइनस वन, दोनों को मैं रूट वन माइनस टी स्क्वायर और रूट वन माइनस टी स्क्वायर डी टी दे देता हूँ। पता चला क्या किया, प्लस वन किया और माइनस वन किया। अब देखो ये दोनों तो कट हो जाएंगे, आई वन इज इक्वल टू एट बाय पाई, ये हो जाएगा आपका टी स्क्वायर बाय टू कॉस इनवर्स टी माइनस हाफ, ये पार्ट हो जाएगा अंडर रूट वन माइनस टी स्क्वायर और सिर्फ माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस टी स्क्वायर डी टी हो जाएगा। क्लियर, ये इतना पार्ट की बात कर रहा हूँ, ये कट हो जाएगा ना।
अब देखो दोनों का फॉर्मूला भी पुट कर सकते हो, क्या हो जाएगा 8/π t²/2 cos इनवर्स t माइनस हाफ अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर का फॉर्मूला होगा, याद करो क्या होगा जल्दी से बताओ, याद आया किसी को, जिसको याद आ गया अच्छी बात है, इस एक्स फॉर्मूला आएगा इसका एक्स बाय टू टी बाय टू अंडर रूट जो है वो एज इट इज माइनस ए बाय टू साइन इनवर्स टी। ओके माइनस अब इसकी बारी, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ओके तो यहां पे माइनस माइनस प्लस की जगह पे एक काम कर देते हैं, माइनस ही रखते हैं ब्रैकेट में, वन अपन अंडर रूट वन माइनस टी स्क्वायर का क्या होगा सिर्फ साइन इनवर्स टी होगा, और वो भी क्या होगा प्लस वाला होगा। ठीक है क्यों प्लस वाला होगा वो हम बाद में देखेंगे, यहाँ पे प्लस आएगा यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है इतना क्लियर हो गया, ये हो गया आई वन इज इक्वल, फॉर्मूला ये पता चल गया बेटा कहाँ से, 7.7 एक्सरसाइज का फॉर्मूला है, एक्स बाय टू अंडर रूट जो है वो इट इज प्लस ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स एक्स बाय ए। ओके अब देखो 8/π तो बाहर पड़ा ही है, अब देखो टी स्क्वायर बाय टू ये हो गया कॉस इनवर्स टी, माइनस हाफ को एज इट इज छोड़ देते हैं, यहाँ पे टी बाय टू अंडर रूट वन माइनस टी स्क्वायर प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा माइनस हाफ साइन इनवर्स टी। सो आई वन इज इक्वल टू 8/π। ओके अब ब्रैकेट ओपन कर लो, टी स्क्वायर बाय टू कॉस इनवर्स टी माइनस टी बाय फोर अंडर रूट वन माइनस टी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4 साइन इनवर्स टी। अब देखो यहाँ से आप टू कॉमन निकाल लो सब में से, बराबर है टू कॉमन निकाल लो तो ये क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, ये बचेगा 4/π, ये हो जाएगा टी स्क्वायर कॉस इनवर्स टी, ये हो जाएगा टी बाय टू अंडर रूट वन माइनस टी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 1/2 साइन इनवर्स टी। अब हम वन में पुट कर देंगे, देयरफॉर आई इज इक्वल टू आगे था एक्स माइनस 4/π रखेंगे बाहर एज इट इज, ठीक है, और टी स्क्वायर की जगह पे हमने एक्स लिया है और कॉस इनवर्स टी की जगह पे हमने क्या लिया, टी की जगह पे रूट एक्स आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस इनवर्स रूट एक्स, बराबर है कॉस इनवर्स रूट एक्स, फिर क्या हो जाएगा आगे चेक करो माइनस टी की जगह पे क्या आ जाएगा रूट एक्स बाय टू अंडर रूट टी स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा 1-x प्लस हाफ साइन इनवर्स क्या हो जाएगा टी की जगह पे रूट एक्स और प्लस सी। आप इसको आगे और सॉल्व करना है तो कर सकते हो, नहीं करना है तो ये फॉर्मेट में आप रख सकते हो, कोई गलत नहीं है, बराबर आगे बढ़े। ठीक है सॉल्व में आप क्या करोगे, इसको आप कॉस इनवर्स को साइन में कन्वर्ट करोगे, कॉमन निकालोगे और ऐसा ही होगा, उसके अलावा और कुछ ज्यादा नहीं है, बट ये आप सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया, क्या करोगे इसमें, ये भी क्वेश्चन उस जैसा ही लंबा सा क्वेश्चन है, आई इज इक्वल टू अंडर रूट वन माइनस रूट एक्स अपॉन वन प्लस रूट एक्स डी एक्स, लेट एक्स इज इक्वल टू क्या करोगे कॉस स्क्वायर थीटा ले लो, सो डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब बोलोगे सर आप ये लेते ही जा रहे हो उसका कुछ रीजन है, हाँ है, क्योंकि अगर कॉस स्क्वायर थीटा लोगे तो बाहर आए कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है और 1 प्लस कॉस थीटा दोनों का होता है, अगर साइन स्क्वायर लिया तो 1 माइनस साइन का भी फॉर्मूला कोई नहीं होता और 1 प्लस साइन का भी फॉर्मूला नहीं होता, इसलिए समझे, तो 2 आगे आ जाएगा कॉस थीटा एज इट इज, वापस कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा और ये हो गया डी थीटा। सो आई इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस रूट एक्स, मतलब ये क्या हो जाएगा सिर्फ कॉस थीटा, और यहाँ पे 1 प्लस रूट एक्स मतलब ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा, ये हो गया माइनस कॉस 2 माइनस कॉस थीटा साइन थीटा और डी थीटा। सो आई इज इक्वल टू व्हाट इज 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2,
व्हाट इज 1 प्लस कॉस थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ बचेगा साइन थीटा बाय 2, और यहाँ पे क्या बचेगा कॉस थीटा बाय 2, और यहाँ पे क्या बचा माइनस 2 कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, अब ये 2 को मैं बाहर निकालू, 2 को नहीं पूरे माइनस 2 को मैं बाहर निकालू, ये हो जाएगा साइन थीटा बाय 2, ये हो जाएगा कॉस थीटा बाय 2। अब सुनिएगा, कॉस थीटा को मैं एज इट इज रखता हूँ, साइन थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 डी थीटा। साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का तो साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा, बट साइन थीटा है मतलब एंगल हाफ हो जाएगा, तो ये देख लो कॉस थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 कैंसिल, 2 को बाहर फेंक दो, बाहर फेंक दो इन द सेंस बाहर निकाल लो। ठीक है, सो देयरफॉर I की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 4, अंदर क्या बचा साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा डी थीटा। अब कॉस थीटा को आप क्या लिख सकते हो, कॉस थीटा को भी आप चेंज कर सकते हो, कौन से फॉर्मेट में, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1 कॉस 2 थीटा के तो बहुत सारे फॉर्मूला है, सिर्फ मैं कॉस थीटा की बात कर रहा हूँ, क्यों, बिकॉज इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, I इज इक्वल टू माइनस 4 तो बाहर रहेगा, साइन थीटा बाय 2 इंटू दिस, तो ये क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 साइन थीटा बाय 2 माइनस, सुनना बेटा बहुत ध्यान से, साइन थीटा बाय 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा माइनस, हाँ एक चीज रह गई बेटा और वो है ये साइन थीटा बाय 2 रह गया, तो साइन इंटू साइन ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर हो गया, ये हो गया साइन स्क्वायर। ठीक है, ये साइन स्क्वायर हो गया, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 डी थीटा। अब दोनों को सेपरेट कर दो, एक इसको लगा दो माइनस 2 बाहर निकालो तो माइनस 8 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 डी थीटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4 क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 डी थीटा। आई इज इक्वल टू, अब सुनिएगा ये कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर है, इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँ, तो 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2 कॉस थीटा बाय 2 साइन थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, देखो इसका भी स्क्वायर इसका भी, और 2 का स्क्वायर 4, इसलिए तो मैंने 4 से डिवाइड कर दिया, और प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस 2 थीटा होल डिवाइड बाय 2, अब सिंस थीटा बाय 2 है इसलिए यहाँ पे थीटा, अगर सिर्फ थीटा होता तो यहाँ पे 2 थीटा, ये सारे आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज याद रखने पड़ेंगे, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 2, और ये आपका क्या हो गया, ये हो गया साइन थीटा और उसका स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, प्लस 4 और 2 कट हो जाएंगे मतलब बचा 2 1 माइनस कॉस थीटा डी थीटा। फाइनल स्टेप वापस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2, याद आया, इसको मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर डी थीटा लिखना तो भूल गया, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2 डी थीटा प्लस 2 ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा डी थीटा, 2 और 2 कैंसिल, बचा ये सिर्फ इतना। ओके, और लास्ट जल्दी से लिख लीजिए फिर आगे बढ़ता हूँ, तो फाइनली हमारे पास क्या बचा, देयरफॉर आई इज इक्वल टू, चेक करो माइनस आगे बचा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो माइनस अंदर भेज दो, ये क्या हो जाएगा 2 cos थीटा माइनस 1 d थीटा, और यहाँ पे क्या बचा प्लस 2 1 माइनस cos थीटा, प्लस 2 1 माइनस cos थीटा d थीटा। सो I इज इक्वल टू, चलो cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा sin 2 थीटा बाय 2, माइनस 1 का क्या होगा थीटा, प्लस 2 इंटू 1 का क्या होगा 2 थीटा, और माइनस 2 cos थीटा का क्या होगा माइनस 2 साइन थीटा, और वो भी प्लस सी। तो फाइनली आपका आंसर या 2 थीटा माइनस थीटा क्या बचा थीटा प्लस साइन 2 थीटा बाय 2 माइनस 2 साइन थीटा और प्लस सी। अब याद करो आपने किसको क्या अज्यूम किया था, एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा को माना, ये रफ वर्क में लिख रहा हूँ, ये रफ वर्क में लिख रहा हूँ, एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू रूट एक्स, cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी रूट एक्स हो जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा एक्स मतलब ये क्या हो जाएगी रूट वन माइनस एक्स,
अब देखो एक और स्टेप यहाँ पे हमें खींचना पड़ेगा, साइन टू थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, टू साइन थीटा कॉस थीटा बाय टू माइनस टू साइन थीटा प्लस सी, टू टू कैंसिल। बताओ इसमें थीटा क्या निकाल सकता हूँ, रूट एक्स उस साइड जाएगा तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट एक्स, साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट वन माइनस एक्स, कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट एक्स माइनस टू। अभी साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, रूट रूट वन माइनस एक्स और प्लस सी। ये आपका हो गया फाइनल आंसर। आप सोच रहे हो ना सर क्या क्या बोले जा रहे हो, तो बेटा ये बहुत ही, देखो 15 मिनट हुए हमारे, सिर्फ दो ही क्वेश्चन हुए हैं, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ प्लीज ध्यान से सोच समझ के करिए, ठीक है। ओके चलो अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या करना है इस क्वेश्चन में, तो ई एक्स वाला जब भी क्वेश्चन आता है तो आपको एक ही फॉर्मूला याद होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू ई रेस टू एक्स वाला। तो टू प्लस साइन टू एक्स को मैं पहले तो क्वेश्चन लिख लूं, टू प्लस साइन टू एक्स अपॉन वन प्लस कॉस टू एक्स ई रेस टू एक्स डी एक्स, आई इज इक्वल टू, टू को मैं लिख सकता हूँ टू प्लस साइन टू एक्स, मतलब क्या हो जाएगा टू साइन एक्स कॉस एक्स, और ये क्या हो जाएगा वन प्लस कॉस टू एक्स ई रेस टू एक्स डी एक्स, आई इज इक्वल टू वन प्लस कॉस टू थीटा का फॉर्मूला आपको पता है, टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है, टू कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखो टू टू दोनों में से कॉमन निकाल लूंगा, यहाँ पे क्या बचेगा वन प्लस साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन नीचे बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स ई रेस टू एक्स डी। अब देखो सेपरेट कर दो तो ये क्या आ जाएगा सिक्स स्क्वायर एक्स कॉस कॉस कैंसिल, ये क्या आ जाएगा टेन एक्स इंटू ई रेस टू एक्स डी एक्स। अब अगर आपको पता हो तो ये आपका मान लो एफ एफ एक्स है, तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा सेक्स स्क्वायर एक्स, तो हम तो यहाँ पे सीधा सा बता सकते हैं, देयर फॉर आई इज इक्वल टू, इसका आंसर क्या होगा ई रेस टू एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। हो गया डन, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत सिंपल है, आई इज इक्वल टू सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन होल अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन होल अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू, वो हो जाएगा ए बाय एक्स प्लस वन प्लस बी बाय एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस सी बाय एक्स प्लस टू। क्यों, रीजन देखो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वन नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस वन तो यहाँ पे बी एक्स प्लस सी लगता है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ए के साथ क्या जुड़ेगा एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू, बी के साथ सिर्फ क्या जुड़ेगा एक्स प्लस टू क्योंकि एलसीएम एक्स प्लस वन होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू आएगा, और सी के साथ क्या जुड़ेगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। लेट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, तो ए और सी उड़ गए, माइनस वन का स्क्वायर वन माइनस वन और प्लस वन, इसका आंसर आएगा वन, ये उड़ गया ये उड़ गया, माइनस वन प्लस टू मतलब ये हो जाएगा वन, सो वन इज इक्वल टू बी। लेट एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, बी और ए दोनों उड़ गए, माइनस टू का स्क्वायर फोर माइनस टू टू प्लस वन थ्री हो गया, यहाँ पे माइनस टू प्लस वन वन का स्क्वायर सी, सी की वैल्यू आ गई थ्री। लेट एक्स इज इक्वल टू जीरो, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो वन, ये वन टू मतलब ये हो जाएगा टू है, ये हो जाएगा टू बी और ये हो जाएगा सी, सी की वैल्यू थ्री बी की वैल्यू टू, तो वन इज इक्वल टू टू है प्लस टू प्लस थ्री फाइव, उस साइड आएगा तो माइनस फोर इज इक्वल टू टू है, तो ए की वैल्यू माइनस टू बराबर है, बी की वैल्यू वन और सी की वैल्यू थ्री। तो अब आपको क्या करना है, देयरफॉर आई इज इक्वल टू ए माइनस वन बाय एक्स प्लस वन माइनस टू बाय एक्स प्लस वन, सॉरी बी की वैल्यू वन बाय एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और सी की वैल्यू थ्री बाय एक्स प्लस टू डी एक्स। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, ये हो जाएगा माइनस टू लॉग मोड एक्स प्लस वन। अब देखो इसके अंदर लीनियर टर्म है, ऊपर जाएगा तो पावर माइनस टू हो जाएगा, तो उसको कैसे सॉल्व करोगे, प्लस क्या हो जाएगा एक्स प्लस वन का पावर माइनस वन और होल अपॉन माइनस वन, और ये प्लस थ्री क्या हो जाएगा लॉग मोड एक्स प्लस टू और प्लस सी, ये माइनस इधर जाएगा ये डिवाइड में आ जाएगा, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस टू लॉग मोड एक्स प्लस वन माइनस वन बाय एक्स प्लस वन और थ्री लॉग मोड एक्स प्लस टू प्लस सी, ये आपका आंसर।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बढ़िया है, चलो सारे बढ़िया। आई इज इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स और नीचे वन प्लस एक्स डी एक्स। लेट क्या करेंगे हम, लेट एक्स इज इक्वल टू सिंपल सा फॉर्मूला कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा वन प्लस कॉस थीटा तो ही सॉल्व हो सकता है। सो डी एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा डी थीटा। सो आई इज इक्वल टू टेन इनवर्स वन माइनस कॉस थीटा नीचे वन प्लस कॉस थीटा और डी एक्स की जगह पे माइनस साइन थीटा डी थीटा। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा बेटा, ये टेन इनवर्स है, ये क्या होता है टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू और नीचे क्या होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू और ये क्या होगा माइनस साइन थीटा डी थीटा। टू टू कैंसिल, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर बाहर निकलेगा तो टेन, टेन इनवर्स और टेन कैंसिल, मतलब ये क्या हो जाएगा थीटा बाय टू इंटू माइनस साइन थीटा डी थीटा। तो माइनस वन बाय टू को बाहर निकाल लो, पहले इतना लिख लो, माइनस वन बाय टू को बाहर निकाल लिया, बचा क्या थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा। अब इसमें यू भी रूल लगेगा, एल आई ए एलजेब्रा होगा थीटा, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो देयरफॉर आई इज इक्वल टू माइनस हाफ। यू भी रूल क्या बोलता है, यू एज इट इज, वी का इंटीग्रेशन, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, माइनस थीटा का डिफ्रेंशिएशन वन, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस साइन थीटा डी थीटा। सो आई इज इक्वल टू माइनस हाफ, ये क्या हो जाएगा माइनस थीटा कॉस थीटा, ये माइनस माइनस ऑलरेडी प्लस, साइन थीटा का वापस डिफरेंशिएशन कितना होगा माइनस कॉस थीटा डी थीटा और प्लस सी, मल्टीप्लाई करो ये कितना हो जाएगा थीटा कॉस थीटा बाय टू माइनस प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या हो जाएगा प्लस कॉस, यहाँ पे इसकी साइन नहीं है, इंटीग्रेशन तो हो गया ना, साइन थीटा का इंटीग्रेशन ही हो, प्लस कॉस थीटा बाय टू और प्लस सी। कहीं पे हमने गलती तो नहीं करी ना, थीटा का हो गया वन, साइन का होगा कॉस थीटा। हाँ मैं वही सोच रहा हूँ, मेरे से क्या गलती होगी। अब देखो यहाँ पे साइन का डिफरेंशिएशन होगा कॉस थीटा, अब कॉस का क्या हो जाएगा प्लस साइन थीटा, ये हो जाएगा प्लस साइन थीटा और प्लस माइनस माइनस, ये कितना हो जाएगा माइनस साइन। ओके सॉरी मेरे से मिस्टेक हो गई, अभी वो रेक्टिफाई कर ली। साई की वैल्यू थीटा क्या पुट करोगे तो आपने थीटा की वैल्यू हो जाएगी कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स इंटू कॉस थीटा की जगह पे एक्स बाय टू माइनस साइन थीटा की वैल्यू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस सी, वन बाय टू बाहर निकाल लो, ये क्या बचेगा एक्स कॉस इनवर्स एक्स माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देख के ही आप लोगों की हालत टाइट हो जाएगी, सर इतना बड़ा क्वेश्चन, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू लॉग एक्स होल अपॉन एक्स का पावर फोर। ठीक है अब देखो टू को अंदर भेज दो, सबसे पहले तो टू को अंदर भेज दोगे आप तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस ये हो जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स का पावर फोर। अब देखो आपको पता है लॉग माइनस लॉग क्या होता है डिवाइड हो जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर होल डिवाइड बाय एक्स का पावर फोर डी एक्स। ठीक है कुछ भी प्रॉब्लम, अब देखो इनको मैं डिवाइड कर दूं और इसको मैं दो तरीके से स्प्लिट कर दूंगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ एक्स क्यूब इंटू एक्स लिख सकता हूँ, वन बाय एक्स क्यूब इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स इंटू लॉग ये वन प्लस क्या हो जाएगा वन बाय एक्स स्क्वायर। अब x को मैं अंदर भेज दूं, इस x को मैं अंदर भेज दूं, पहले इतना लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। ओके देयरफॉर i इज इक्वल टू 1 बाय x क्यूब, x को अंदर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर लॉग 1
वन प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको कट कर दो तो ये क्या हो जाएगा, वन बाय एक्स क्यूब वन प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर, क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर कैंसिल, और ये क्या हो जाएगा लॉग वन प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब लेट वन प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो वन का तो जीरो होता है, वन बाय एक्स स्क्वायर का क्या होगा माइनस टू बाय एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। देखो डी एक्स बाय एक्स क्यूब ऑलरेडी पड़ा है, देयरफॉर आई की जगह पे मैं यहाँ पे क्या पुट कर सकता हूँ रूट टी, मैं यहाँ पे क्या पुट कर सकता हूँ लॉग टी, बराबर है। और डी एक्स बाय एक्स क्यूब की जगह पे मैं पुट कर सकता हूँ डी टी बाय माइनस टू, डी टी बाय माइनस टू मतलब माइनस आप बाहर निकाल दो, इसमें यू भी रूल ये एक टर्म ये दूसरा टर्म एल आई ए टी, सबसे पहली प्रेफरेंस लॉग को मिलेगी लॉग टी, रूट टी का डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन थ्री बाय टू बाय थ्री बाय टू माइनस, सुनना ध्यान से लॉग टी का यहाँ पे होगा डिफ्रेंशिएशन और इसका होगा टी का पावर थ्री बाय टू होल डिवाइड बाय थ्री बाय टू इन टू डी टी। समझ में पक्का? तो अब क्या करेंगे, फर्स्ट वाला पार्ट तो छोड़ देना, अब सेकंड वाले पार्ट की बात करें। देयरफॉर आई इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा माइनस हाफ, आगे क्या बचा आपके पास चेक कर लो लॉग टी ठीक इंटू लॉग टी माइनस। अब देखो टी और टी का पावर थ्री बाय टू कट होके यहाँ पे क्या बचेगा टी का पावर हाफ, अब थ्री बाय टू बाहर निकालो मतलब वो क्या हो जाएगा माइनस वन अपॉन थ्री बाय टू, और टी का पावर हाफ का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होगा टी का पावर थ्री बाय टू अपॉन थ्री बाय टू, वापिस वही होगा ना टी का पावर हाफ है तो टी का पावर थ्री बाय टू थ्री बाय टू और प्लस सी। अब देखो ये टू और ये टू कैंसिल हो जाएंगे, टू पर भेज दो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वन बाय थ्री टी का पावर थ्री बाय टू माइनस तो बाहर पड़ा ही है लॉग टी माइनस टू बाय नाइन टी का पावर थ्री बाय टू और प्लस सी। टी आपने किसको अज्यूम किया वन प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर को, सो आई इज इक्वल टू माइनस वन बाय थ्री वन प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर थ्री बाय टू लॉग वन प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर माइनस टू बाय नाइन वन प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर थ्री बाय टू प्लस सी। चाहे तो आप कॉमन भी निकाल सकते हो, नहीं निकालना है तो भी चलेगा। ओके लिख लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन ई रेस टू एक्स वन माइनस साइन एक्स अपॉन वन माइनस कॉस एक्स। अब ई रेस टू एक्स जब भी आता है तो आपको पता है क्या करना है, फॉर्मूला एक ही लगे एफ एक्स प्लस एफ डैस एक्स। अब लिमिट स्टार्ट होगी पाई बाय टू टू पाई ई रेस टू एक्स वन माइनस साइन एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ वन माइनस साइन एक्स की जगह पर टू साइन एक्स बाय टू कॉस एक्स बाय टू, वन प्लस कॉस एक्स को क्या लिख सकता हूँ टू कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू डी एक्स। सेपरेट कर दो फाइव बाय टू टू पाई ई रेस टू एक्स वन बाय टू कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू, वन प्लस कॉस टू थीटा इज इक्वल टू टू साइन स्क्वायर हो जाएगा, टू साइन स्क्वायर हो जाएगा वन प्लस कॉस टू थीटा टू साइन वन माइनस कॉस टू थीटा नीचे वन माइनस है नीचे वन माइनस है प्लस को लेके ही करते चलो प्लस 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 ये क्या हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू। बहुत सारे बुक में यहाँ पे माइनस है बहुत सारे बुक में प्लस है, माइनस है तो साइन स्क्वायर लगा ना प्लस है तो कॉस स्क्वायर, अभी ये क्या हो जाएगा वन बाय टू एंड वन बाय कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा सिक्स स्क्वायर एक्स बाय टू ठीक है। अभी हो गया माइनस माइनस हो गया ठीक है, टू टू कट हो जाएगा कॉस कॉस कट हो जाएगा बचेगा क्या टेन एक्स बाय टू डी एक्स। अब ये कभी भी सॉल्व नहीं हो सकता देखो क्योंकि टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक्स स्क्वायर एक्स बाय टू चाहिए, माइनस का तो कभी हो नहीं सकता मतलब यहाँ पे प्लस की जगह पे क्या होना चाहिए प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे प्लस की जगह पे क्या होगा माइनस। तो ही हमारा आंसर आ सकता है वरना प्रैक्टिकली आंसर नहीं आएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका टू साइन स्क्वायर एक्स बाय टू, तो वन बाय टू ये ऊपर चला जाएगा क्या हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर एक्स बाय टू, टू कैंसिल साइन साइन कैंसिल तो ये क्या हो जाएगा माइनस कॉट एक्स बाय टू। अब बताओ माइनस कॉट एक्स बाय टू का ये आपका है एफ एक्स,
इसका डिफरेंशिएशन होता है, कॉटेक्स का माइनस होता है बट माइनस का प्लस cos x square x by 2 और वापस हाफ चेन रूल के अकॉर्डिंग. तो देयरफॉर i इज इक्वल टू पाई बाय 2. अब तो आंसर ये आ जाएगा सीधा e रेस टू x इनटू माइनस cot x बाय 2 पाई बाय 2 से लेके पाई, पहले अपर लिमिट e रेस टू पाई, माइनस बाहर निकाल लेता हूँ, cot पाई बाय 2, फिर माइनस, ऑलरेडी आगे माइनस है ही, या मैं इस माइनस को ऐसे निकाल, माइनस e रेस टू पाई बाय 2 cot पाई बाय 2 बाय 2 कितना हो जाएगा पाई बाय 4, माइनस e रेस टू पाई cos, cos नहीं है cot, cot 90 इज 0, सो 0 माइनस cot 45 इज 1, सो e रेस टू पाई बाय 2. तो फाइनल आंसर माइनस माइनस प्लस e रेस टू पाई बाय 2. ठीक है, हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, I is equal to 0 to pi by 4 sin x cos x upon cos power 4x plus sin power 4x dx. सबसे पहला स्टेप आपके दिमाग में क्या आ रहा है? Divide numerator and denominator by cos power 4x. So I is equal to 0 to pi by 4 divided by cos power 4x divided by cos power 4x. आप सोचोगे सर cos power 4x से ही क्यों? तो उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, मैं बता रहा हूं. अब देखो, जब अगर आप cos power 4x से डिवाइड करोगे तो देखो cos cos का कैंसिल हो गया, नीचे क्या बचा cos cube, sin by cos क्या हो जाएगा 10x, क्या बचा नीचे cos square, तो 1 by cos square क्या हो जाएगा sec square होगा. ठीक है, sin by cos ये कितना हो जाएगा 10 power 4x plus ये क्या हो गया 1. अब मान लो आपको 10x 10 square का मैं square ले लूँ, इसको ध्यान से सुनना, ये cos step 0 to pi by 4 10x into sec square, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 10 square का भी square plus 1 dx. तो let 10 square x is equal to t, तो 2 10x 10x का वापिस x square, मतलब ऊपर वाला आ गया, समझ रहे हो, इसलिए भेजा हमारे करे. तो अब let 10 square x is equal to t, तो 2 10x, 10x का वापिस क्या होगा sec square x dx is equal to dt, initial limit final limit, x की value pi by 4 से 0, तो t की value 0 डालोगे तो 0 ही होगा, x या pi by 4 डालोगे तो 1 होगा, क्योंकि 1 10 pi by 4 is 1. So therefore I is equal to 0 to 1. अब देखो ऊपर क्या था हमारे पास 10x x square x dx, बट यहाँ पे तो 2 10x है, तो ऊपर आ जाएगा dt by 2 और नीचे क्या हो जाएगा t square plus 1. So 1 by 2 को बाहर निकाल लो, t square plus 1 का क्या होता है 10 inverse t, 0 to 1. So हाँ, पहले तो 10 inverse 1 put करो और फिर माइनस 10 इनवर्स 0 लोअर लिमिट पुट करो, हाफ इनटू ये क्या हो जाएगा पाई बाय 4, आंसर आएगा पाई बाय 8, प्लस सी नहीं आएगा, पता है ना, प्लस सी नहीं आएगा पता है. चलो नेक्स्ट आगे बढ़े, कितना टाइम हुआ, 33 मिनट्स हो गए यार, ट्राई तो कर रहा हूँ मैं स्पीड बढ़ाने की, बट समझ में भी तो आपको आना चाहिए. आई चलो 0 टू पाई बाय 2 cos square x by cos square x plus 4 sin square x. अब प्लीज ये क्वेश्चन, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि ये क्वेश्चन सबसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें ऐसे अटपटे स्टेप्स हैं कि आप अटक ही जाओगे. अब मैं इस 4 sin square x को सबको मैं cos में कन्वर्ट करूंगा तो 1 minus cos square x हो जाएगा. तब ध्यान से देखिए 0 टू पाई बाय 2 ऊपर है आपका cos square x dx, नीचे आपका cos square x plus 4 minus 4 cos square x. So I is equal to 0 to pi by 2 ऊपर आ जाएगा cos square x dx, cos square minus 4 cos square, मतलब ये क्या हो जाएगा 4 minus 3 cos square x. अब सुनिएगा, अब मजा देखिए, मैं ऊपर नीचे 1 by 3 minus 1 by 3 से multiply divide कर रहा हूँ, कर सकता हूँ, हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं, आपकी मर्जी, कर लिए. अब मैं क्या करूँगा पता है, इसमें प्लस फोर करूँगा माइनस फोर करूँगा,
फोर माइनस थ्री कॉस स्क्वायर एक्स माइनस फोर, दोनों के नीचे वो वैल्यू डाल दो ये तो हो गया कट। हमारे पास क्या बचा, तो हमारे पास तो सिर्फ यही बचा, तो देयर फोर आई इज इक्वल टू वन बाय माइनस थ्री जीरो टू पाई बाय टू वन माइनस, क्या बचा वन माइनस फोर बाय फोर माइनस थ्री कॉस स्क्वायर एक्स। सेपरेट कर दो आई इज इक्वल टू, देखो इसका आंसर वन आएगा तो माइनस वन बाय थ्री एक्स जीरो टू फाइव बाय टू, माइनस माइनस कितना आ जाएगा प्लस फोर बाय थ्री, क्या आ जाएगा जीरो टू फाइव बाय टू डी एक्स फोर माइनस थ्री को। अब इस स्टेप में मैं क्या करूंगा बता, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर, तो माइनस वन बाय थ्री एक्स की जगह पे पाई बाय टू माइनस जीरो। आप बोलो सर आपको ऐसे स्टेप्स थोड़ी पता चलते हैं, हमें तो थोड़ी पहली बार में पता चल के आएंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो तो ही होगा और नहीं होगा ठीक है। तो प्लस फोर बाय थ्री जीरो टू पाई बाय टू, ऊपर हो जाएगा क्या आपका सेक्स स्क्वायर एक्स, नीचे क्या हो जाएगा फोर सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस थ्री और डी एक्स ठीक है। अब सेक्स स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये देखो ये तो आपका हो गया माइनस फाइव बाय सिक्स प्लस फोर बाय थ्री जीरो टू फाइव बाय टू सेक्स स्क्वायर एक्स, फोर सेक्स स्क्वायर एक्स की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ टेन स्क्वायर एक्स प्लस वन माइनस थ्री डी एक्स। तो आई इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ फाइनली माइनस फाइव बाय सिक्स फोर बाय थ्री जीरो टू फाइव बाय टू सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स, फोर इंटू टेन स्क्वायर एक्स फोर टेन स्क्वायर एक्स प्लस फोर माइनस थ्री कितना आ जाएगा प्लस वन। अब मैं सिर्फ इसको सॉल्व करूंगा, ये तो देखो वैसे भी आंसर आ गया, तब मैं क्या करूंगा अब देख लो, लेट टेन एक्स इक्वल टू टी ले लो, लेट टेन एक्स इक्वल टू टी, तो ऊपर सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा। इनिशियल लिमिट और फाइनल लिमिट, इनिशियल लिमिट आपकी थी x इज इक्वल टू पाई बाय टू से x इज इक्वल टू जीरो, जब पाई बाय टू डालोगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा और जब जीरो डालोगे तो जीरो ही रहेगा। i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस पाई बाय सिक्स प्लस फोर बाय थ्री तो पड़ा ही है ओके। फोर टी स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा डी एक्स अपॉन फोर टी स्क्वायर प्लस वन डी एक्स की जगह पे हो जाएगा डी टी ओके, और लिमिट हो जाएगी जीरो टू इनफाइनिट। अब थोड़ा ध्यान से सुनने की बात है, फोर टी स्क्वायर है ना तो इसका टू टी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा वन बाय ए वन ही है टेन इनवर्स एक्स एक्स की जगह पे टू टी और होल अपॉन टू, और इसमें हमें लिमिट डालनी पड़ेगी जीरो टू इनफाइनाइट। क्यों जीरो टू इनफाइनाइट और टू लिया, बिकॉज देखो फोर टी स्क्वायर है तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ माइनस फाइव बाय सिक्स प्लस फोर बाय थ्री टी टी जीरो टू इनफाइनाइट, ये हो गया टू टी का होल स्क्वायर और प्लस वन, तो ये हो जाएगा माइनस फाइव बाय सिक्स प्लस टू और फोर कट हो गया टू बाय थ्री। अगर आप इनफाइनाइट डालोगे तो क्या होगा आंसर टेन इनवर्स इनफाइनाइट माइनस टेन इनवर्स जीरो। टेन इनवर्स इनफाइनाइट कब होता है पाई बाय टू पे, और टेन इनवर्स जीरो कब होता है जीरो पे, सो माइनस जीरो। सिंप्लीफाई करोगे तो ये भी क्या होगा पाई बाय थ्री होगा, और पाई बाय थ्री माइनस पाई बाय सिक्स आंसर आएगा पाई बाय सिक्स ठीक है। डन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खतरनाक क्वेश्चन है ये, सारे ऐसे क्वेश्चन हैं ठीक है। सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा,
पहला स्टेप ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं आपसे वापस रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन तीन तीन चार चार बार सॉल्व करोगे तो होंगे, प्रैक्टिस आपकी होगी वरना नहीं होगी। इसको मैं माइनस ऑफ माइनस साइन टू एक्स लिख सकता हूँ, माइनस माइनस प्लस ही होगा। आई इज इक्वल टू 5/6 टू 5/3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब मैं क्या करूंगा, वन प्लस और माइनस भी करूंगा, माइनस वन प्लस वन माइनस साइन टू एक्स। क्यों, ये करने के पीछे का रीजन क्या है आपका? देखो ऊपर तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है बराबर है, अब देखो अंडर रूट माइनस, ये माइनस वन को एज इट इज छोड़ दे रहा हूँ, ये वन की जगह मैं क्या डाल दूंगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, और ये इसकी जगह पे वन माइनस साइन टू एक्स क्या होता है, इसकी जगह पर ऐसा लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस टू साइन एक्स कॉस एक्स। तो ये किसका फॉर्मूला बना, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब अगर आप जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 5/6 टू 5/3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अंडर रूट माइनस माइनस प्लस और माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब जो अंदर वाला पार्ट है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स उसे टी ले लो, बस यही करना था, मैंने इसके फॉर्मेट में कन्वर्ट किया था कि ऊपर वाला निकल जाए। अब हम क्या करेंगे, लेट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स और माइनस कॉस एक्स का प्लस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी। देयरफॉर आई इज इक्वल टू, चेक करो ऊपर वाला डी टी हो गया, पर उससे पहले लिमिट्स तो चेंज करनी पड़ेगी। सर आप ही भूल जा रहे हो, इनिशियल लिमिट क्या थी, एक्स इज इक्वल टू 5/3 और फाइनल लिमिट क्या थी, सॉरी 5/6 टू 5/3। तो जब 5/3 पुट करोगे इसमें तो साइन 5/3 मतलब √3/2 और कॉस 5/3 -1/2, तो √3/2 -½। और इधर टी की वैल्यू ये -√ -√3/2 होगी, कितनी हो जाएगी, -√3/2, मतलब इसमें से माइनस कॉमन निकालो तो √3/2 -½ ही हुई, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √3 -1/2, और इसको ऐसे लिख सकते हैं -√3 -1/2। देयरफॉर आई इज इक्वल टू -√3 -1/2 √3 -1/2, ऊपर आ गया डी टी और नीचे आ गया 1 - t². अब सिंस 1/√1 - t² इज इवन फंक्शन, सो इवन फंक्शन है ना ये पूरा, तो आई इज इक्वल टू इस सबको क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स 0 से √3 - 1/2। ये कैसा फॉर्मूला बना, -a(2a)f(t)dt जैसा फॉर्मूला बना, लिखना नहीं आपको समझाने के लिए। तो उसमें हम क्या चेक कर देंगे, हमारा एफ ऑफ टी क्या है, इवन है तो वो 2 टाइम्स हो जाता है, dt/√1 - t². और पता ही है कि भाई dt/√1 - t² क्या होगा, साइन इनवर्स टी 0 to √3 - 1/2। ओके, 0 पुट करने का तो कोई मतलब नहीं है, तो आंसर आएगा 2 sin inverse √3 - 1/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देख के आपके दिमाग में क्या थॉट आ रहा है, रूट ही है तो जब भी रूट होता है तो सबसे पहला बेसिक स्टेप क्या होता है, रेशनलाइजेशन का, ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई साइन चेंज 0 to 1। अब देखो यहाँ पे तो एज इट इज रहेगा √1 + x प्लस √x dx, नीचे चेक करो a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा a² 1 + x माइनस b² मतलब x, ये कैंसिल हो गया, बचा गया 1। बेटा पता तो चला a² मतलब रूट निकल जाएगा, तो बचेगा क्या 0 to 1 √1 + x प्लस √x dx, i इज इक्वल टू
बताओ रूट वन प्लस एक्स का क्या होगा, वन प्लस एक्स का पावर थ्री बाय टू होल अपॉन थ्री बाय टू, एक्स का पावर थ्री बाय टू होल अपॉन थ्री बाय टू, जीरो टू वन। देखो दोनों में थ्री बाय टू है तो बाहर निकाल लो तो टू बाय थ्री हो गया। दूसरी बात लोअर लिमिट जीरो है, कहीं पे जीरो पुट करो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स यहाँ पे वन डाल दो, वन प्लस वन टू, टू का पावर थ्री बाय टू प्लस वन का पावर थ्री बाय टू इज वन, बराबर है। माइनस जीरो पुट कर दो, वन का पावर थ्री बाय टू इज वन प्लस जीरो पावर थ्री बाय टू इज जीरो, थ्री बाय टू बाहर निकाल लिया वो टू बाय थ्री हो गया, रेसिप्रोकल हो गया, टू बाय थ्री, टू का पावर थ्री बाय टू इज टू रूट टू, प्लस वन माइनस वन कट हो जाएगा, आंसर इज फोर रूट टू बाय थ्री। क्लियर, आगे बढ़े बेटा, कितना टाइम हो, 45 मिनट्स ही हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन नाइन प्लस सिक्सटीन साइन टू एक्स। कोई नहीं, जैसे मैंने अभी आपको बताया साइन टू एक्स को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, आपको सबको पता है, बताए प्लस सिक्सटीन माइनस सिक्सटीन और वो फॉर्मेट में। और जब भी ऊपर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आता है तो हमको क्या करना है, अब सबसे पहला ही क्वेश्चन, सबसे पहला स्टेप ये करेंगे हम आंसर। जब भी देखो ऊपर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आया तो आपको सबसे पहले एक चीज यही करनी है, लेट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स प्लस कॉस माइनस कॉस एक्स का क्या हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। देयरफॉर ओके इनिशियल लिमिट और फाइनल लिमिट, इनिशियल लिमिट एक्स इज इक्वल टू फाइव बाय फोर और एक्स इज इक्वल टू जीरो टी इज इक्वल टू टी। चलो जब आप जीरो पुट करोगे इधर तो साइन जीरो माइनस कॉस जीरो आ गया माइनस वन, फाइव बाय फोर पुट करोगे दोनों की वैल्यू सेम होती है तो लिमिट चेंज होगी माइनस वन टू जीरो। ऊपर आपका क्या आ गया, ऊपर आ गया आपका डी टी और नीचे आ गया नाइन प्लस सिक्सटीन। अब मजा हमारी देखो, अब देखो आपको पता है कि भैया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी है तो दोनों का स्क्वायर कर दो, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वन माइनस टू साइन एक्स कॉस एक्स मतलब साइन टू एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर। साइन टू एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी वन माइनस टी स्क्वायर। पता चला एक यहाँ से कैसे आया, तो यहाँ पे साइन टू एक्स की जगह पर मैं क्या पुट कर सकता हूँ वन माइनस टी स्क्वायर। तो अगर आप ब्रैकेट ओपन करोगे माइनस वन टू जीरो डी टी नाइन प्लस सिक्सटीन इंटू वन सिक्सटीन मतलब कितना हो जाएगा ट्वेंटी फाइव प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा सिक्सटीन टी स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला क्या होता है वन बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा वन बाय टू है एक ही जगह पे फाइव लॉग मोड ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स ऐसा समझ में होल डिवाइड बाय फोर होल डिवाइड बाय फोर। क्यों, क्योंकि एक्स अकेला नहीं है। अब बोलो सर यहाँ पे सिक्सटीन है, अरे भाई सिक्सटीन मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना क्या फाइव का स्क्वायर माइनस फोर्टी का स्क्वायर और इसका आंसर आएगा माइनस वन टू जीरो। देखो ये वन टू फाइव दा टेन टेन फोर दा फोर्टी बाहर निकालो वन बाय फोर्टी सो आई इज इक्वल टू वन बाय फोर्टी अंदर क्या बचा लॉग मोड फाइव माइनस फोर्टी अपॉन लॉग फाइव प्लस फोर्टी लिमिट इज माइनस वन टू जीरो। अब जीरो पुट करो तो जीरो देखो फाइव माइनस जीरो इज फाइव फाइव प्लस जीरो इज फाइव मतलब क्या आएगा इसका आंसर लॉग वन माइनस लॉग। अगर माइनस वन पुट करो तो माइनस फोर माइनस वन मतलब प्लस फोर फाइव प्लस फोर इज नाइन फाइव माइनस फोर इज वन ठीक है। फॉर्मूला मैंने गलत पुट कर दिया फोर ही है तो यहाँ पे मैं क्या उल्टा लिखा बाप रे काफी बड़े बड़े क्वेश्चन है, मुझे लगा आज खत्म हो जाएगा, ज़्यादा खींचने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं
नेक्स्ट लेक्चर में कितने बाकी है पता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 बाकी है। और 25-30 मिनट लगेगी, लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। तो आज का लेक्चर हम यहाँ तक ही छोड़ रहे हैं, ठीक है, ये लेक्चर यहाँ तक ही छोड़ते हैं। आई एम सॉरी, मुझे कंप्लीट करना था बट नहीं हो पाया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। नेक्स्ट लेक्चर पक्का पक्का पक्का, ठीक है। टिल देन स्टडी वेल एंड टेक केयर बेटा।